अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आज तमाम संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान का शहर में मिला जुला असर देखने को मिला है। इस दौरान तमाम संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से शहर में एक विशाल रैली निकाली गई है। रैली के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स के साथ चलता रहा। बंद की बात की जाए तो शहर के बाजार में इसका व्यापक असर नजर नहीं आया। बाजार के रास्तों से निकली रैली के पहले और बाद में इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर बाजार की अधिकतर दुकानें खुली रही। हालांकि रैली के दौरान दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे, फिर भी जो दुकानें खुली थी उन्हें नारेबाजी देख बंद कर लिया। समाचार लिखे जाने तक कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं निर्मित हुई। रैली के दौरान भी लोगों ने कहीं किसी तरह की विवाद या उलझने की स्थिति निर्मित नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद और रैली में बसपा, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, जैस, अहिरवार समाज संघ सहित कई संगठन शामिल हुए। अम्बेडकर चौराहे से शुरू हुई रैली हनुमान चौराहा, हाट रोड, निचला सदर बाजार, बापू पार्क, लक्ष्मीगंज, जयस्तंभ चौराहा, तेलगानी चौराहा, हनुमान चौराहा होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगी, जहां अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से रैली के साथ बाजार चौराहों सहित मुख्य मार्गों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस देश की 1 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक जजमेंट पारित किया गया था, जिसमें एससी एसटी का उपवर्गीकरण क्रिमिलियर का उसमें फैसला राज्य सरकारों के हक में दे दिया गया था, जबकि संविधान में एससी एसटी के आरक्षण को छेड़ने में राज्य सरकार का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने उस जजमेंट को अपने संज्ञान में लेते हुए, चूंकि असंवैधानिक था, इसलिए बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 तारीख को समाज को बताया और सरकार को आगाह भी किया कि आपका जो संविधान का जो उसका संसद का सत्र चल रहा है, उसी में आप सत्र में जो है अध्यादेश लाकर जो कानून जजमेंट पारित हुआ है उसके उसमें काउंटर में आप उस अध्यादेश लाकर जो है उसको लागू करें, पर ऐसा नहीं किया है। इसके बाद बहन जी ने फिर पुनः 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज के लोगों को सबको आगाह किया और अपने एससी एसटी के आरक्षण को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा ये आंदोलन का जो है उलगुलान छेड़ा और उसी पर हम लोग आदरणीय बहन जी के सिपाही और परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम संविधान बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। उसके विरोध में आज हमने भारत बंद करने का आह्वान समाज के लोगों से किया था और साथ में शहर के लोगों से भी कल हम लोगों ने निवेदन व अपील की थी के आप लोग भी हमारा सहयोग करिए और शहर के लोगों ने भी आज भारत बंद में जो दुकानें बंद करके जो समर्थन दिया, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बरवटपुरा में बंसकार समाज के मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने की तोड़फोड़, भगवान शिव की प्रतिमा को किया खंडित, लोगों में आक्रोश, मौके पर पहुंची पुलिस। राघोगढ़ तहसील मुख्यालय पर राघोगढ़ नगर में राघोगढ़ थाना क्षेत्र के बरवटपुरा में बंसकार समाज के मंदिर में बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में तोड़फोड़ कर भगवान शिव की प्रतिमा को खंडित कर दिया। वहीं कुर्सियां एवं अन्य सामान में भी तोड़फोड़ की गई। मामले का खुलासा 21 अगस्त की सुबह को हुआ। आक्रोशित राघोगढ़ नगर के लोग एवं बंसकार समाज के लोग बरवटपुरा मंदिर पर पहुंचे, घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर राघोगढ़ थाना प्रभारी जुबीर खान सहित पुलिस फोर्स पहुंचा, मौका मुआयना कर मामले में जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है। क्या मामला है ये? डिग्री कॉलेज के ऊपर बंसकार समाज मंदिर। क्या मामला है? बरोड़पुरा। क्या मामला है? मंदिर की मूर्ति टूट गई, भगवान शंकर की मूर्ति तोड़ के चले गए। कब की बात है ये? ये रात की बात, 11-12 बजे की बात। आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग क्या चाह रहे हैं, न्याय मिले। बुधवार को भारत बंद और प्रदर्शन का वाल्मीकि समाज ने विरोध किया है। करण मालवी और जगराम धूरिया ने कहा कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और हम फैसले के साथ खड़े हैं। हम किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं। न्यायालय के फैसले से लाभ होगा, सभी को इसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन कुछ संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। हम इसका विरोध करते हैं और बताना चाहते हैं कि हम और हमारा समाज किसी भी तरह से इस विरोध के समर्थन में नहीं है। क्या नाम है आपका? जगराम धूरिया जी, बताएं, आपने प्रेस नोट जारी किया है, क्या मामला है? हम लोग समस्त मीडिया कर्मियों को बताना चाहते हैं कि जो भारत बंद हुआ अभी, तो इस भारत बंद में केवल ओनली
ये तो समाजों ने किया, मतलब जो मतलब कहा जाए तो विशेष नाम नहीं लूंगा मैं, इसमें संपूर्ण एससी वर्ग नहीं है, एससी पूरा वर्ग नहीं है। दूसरी बात, तेरे हमारे वाल्मीकि समुदाय जो समाज है इस बंद का विरोध करती है, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हमारी दलित समाज जो मतलब सबसे वंचित समाज है, जिसको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया तरीके से, आज हर डिपार्टमेंट देख लीजिए, सब डिपार्टमेंट में एक विशेष वर्ग के आदमी मिलेंगे, और हमारी समाज की केवल नगर पालिका तक सीमित रहते हैं। आजादी के 78 साल जब से 74 साल होने के बाद भी आप देखिए, हमारे समाज झाड़ू से नली तक की आजादी प्राप्त हुई, हमारे समाज के लिए वास्तविक आजादी नहीं। और दूसरा, अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति कोई बिजनेस व्यवसाय करता है तो भी उसके साथ घृणा से देखा जाता है कि वाल्मीकि समाज की दुकान है, इस पर नहीं जाना है, समझ रहे हैं, तो क्या करें उसको, सुप्रीम कोर्ट अगर अलग से आरक्षण दे रही है तो उनको तो समर्थन करना चाहिए हमारा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायाधीश और 7 खंडपीठ के न्यायाधीश, उनको मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने सोचा, इस वाल्मीकि समाजकारों ने सोचा, वंचित समाजकारों ने सोचा कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अधिकारी वर्ग वगैरह बन जाए, नहीं तो हमारे समाज बहुत पीछे है, अभी पीछे है वर्तमान में। आज 21 तारीख को जो भारत बंद किया गया है, इसका वाल्मीकि समाज संपूर्ण तरह से बहिष्कार कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था वंचित वर्ग के लिए आरक्षण देने के लिए, उसके विरोध में आरक्षण निकाला गया है, तो इसमें इस रैली भारत बंद किया गया है। इस भारत बंद में वाल्मीकि समाज के किसी भी व्यक्ति का कोई समर्थन नहीं है, वाल्मीकि समाज का विरोध कर दिया। महावीरपुरा रेलवे ओवरब्रिज के पास कार चालक ने गाय में मारी टक्कर, आक्रोशित लोगों की भीड़ हुई जमा। गुना जिला मुख्यालय पर गुना शहर में बीती रात को महावीरपुरा रेलवे ओवरब्रिज के पास एक कार चालक ने गाय को टक्कर मार दी, गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर रात में काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, काफी देर तक हंगामा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गाय मालिक और कार का मालिक भी मौके पर पहुंच गया। लोगों द्वारा घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। गंभीर घायल गाय का उपचार कराने पर कार मालिक एवं गाय मालिक में समझौता हुआ। स्थानीय लोगों द्वारा कार की रफ्तार काफी तेज बताई गई। प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए जिले भर में विशेष अभियान चलाकर पौधारोपण का कार्यक्रम सतत जारी है। इस क्रम में ग्राम खेरखेड़ी की गौशाला में झाकर चौकी प्रभारी संतोष तिवारी के मार्गदर्शन और ग्राम गड़ा पटेल सीताराम जायसवाल के सहयोग से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सीताराम जायसवाल ने गौशाला में मवेशियों के लिए 4 पंखे भी लगवाए। कार्यक्रम में सीताराम पटेल गड़ा चौकी प्रभारी झाकर संतोष तिवारी, भाजपा नेता रमेश मालवीय, प्रधान आरक्षक दीपक तोमर, मनोज शर्मा, राघवेंद्र सिंह बुंदेला, गोविंद सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। बिजली सुधारते समय युवक को लगा करंट, गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए ब्यावरा किया रेफर। छत के ऊपर से निकली हुई थी 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। लोगों के घरों में बिजली सुधारने का काम करता था युवक। 11 केवी विद्युत लाइन हटाने के लिए मोहल्ले वाले कई बार विद्युत विभाग को कर चुके हैं शिकायत। बिनागंज चौकी क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 का मामला। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने किया आनंद आश्रम का निरीक्षण, वृद्धजनों के स्वास्थ्य और वृद्धाश्रम में मिल रही सेवाओं के लिए जानकारी। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा आज सेवा भारती आनंद आश्रम वरिष्ठ जन सेवा केंद्र कैंट गुना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में निवासरत बुजुर्गों को स्वयं भोजन परोसा और उनके स्वास्थ्य और वृद्धाश्रम में मिल रही सेवाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर द्वारा आश्रम में आवश्यक सामग्री दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने संपूर्ण वृद्धाश्रम परिसर का निरीक्षण किया और वहां निवासरत बुजुर्गों से बात की, उनकी समस्याएं जानी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक नई दुनिया इंदौर के संस्थापक और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष स्वर्गीय श्री महेंद्र सेठिया की पुण्यतिथि पर गुना निवासी उनके परिजन प्रदीप लोढ़ा द्वारा सेवा भारती के समन्वय से वरिष्ठ जन सेवा केंद्र गुना में वृद्धजनों को भोजन कराया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने भी सपरिवार उपस्थित होकर वृद्धजनों को अपनी ओर से मिष्ठान और फल आदि का वितरण किया। इस अवसर पर तथा वृद्धाश्रम का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर आनंदधाम समिति अध्यक्ष डॉक्टर एल के शर्मा, सचिव महेंद्र चंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह संधु, प्राचार्य सी एम राइस, आशीष टंटिया और प्रमोद यादव, मुन्ना लाल, नरेंद्र सिंह सोनू नागर उपस्थित थे।
बिसहारा वृद्ध को भेजा अपना घर आश्रम। खंडर में रह रहे थे वर्षों से, मुक्ति धाम में जाकर करते थे स्नान। वर्षों से खंडर में रहकर मुक्ति धाम में स्नान करती आ रहे एक बुजुर्गों को समाज सेवियों की एक टीम द्वारा शिवपुरी के अपना घर आश्रम में भर्ती कराया। असल में ये मामला है कि शहर के पठार मोहल्ला के खंडर में एक बुजुर्ग वर्षों से रहते आ रहे हैं, जो कि पास के ही मुक्ति धाम में स्नान कर लेते थे और कोई भी जो कुछ कह जाता था वह भोजन कर लेते थे। वृद्धाश्रम और रुग्ण शरीर के चलते अभी हाल ही में वो 3 दिन तक खंडर से बाहर नहीं निकले थे, जिस पर से इस आशय की जानकारी मिलने पर जिले में ऐसे लोगों के लिए पहले से ही काम करते आ रहे समाज सेवियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त बेसहारा वृद्ध को अपने साथ लिया और इसके बाद उन्हें पहले तो स्नान कराकर उनके कपड़े बदलवाए गए और प्राथमिक चिकित्सा के बाद उक्त वृद्ध को शिवपुरी के अपना घर आश्रम में भर्ती करा दिया गया। झांकी पंडालों के लिए लेने होंगे अस्थाई कनेक्शन। बिजली विभाग ने जारी किए निर्देश, रसीद की कॉपी पंडाल में करनी होगी चस्पा। गणेश उत्सव त्योहार और अन्य त्योहारों में पंडालों को अस्थाई कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समिति और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों और झांकियों में बिजली साज सज्जा नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें। ऐसे मिलेगा अस्थाई कनेक्शन। विद्युत विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बिजली कंपनी के पोर्टल www.saralayanyojana.mpcz.in/888/home पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। लाइसेंस से विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें और वायरिंग इत्यादि लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि और अनुमानित विद्युत उपयोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थायी कनेक्शन की रसीद अवश्य ले। रसीद की लैमिनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल और झांकी के सामने लगवाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा और विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण और विद्युत साज सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्थायी कनेक्शन न लेने से होने वाले अधिक भार के नुकसान, ट्रांसफार्मर की जलने की संभावना और दुर्घटना की आशंका होती है। परेशान और वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरी की संभावना। अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता और जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आरक्षण में उप वर्गीकरण के निर्णय के विशेष स्वरूप विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर चाचुड़ा बीनागंज में भी देखने को मिला। SC/ST वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जय भीम के नारे लगाते हुए बीनागंज में विशाल रैली निकाली। रैली निचला बाजार से प्रारंभ होकर बस स्टैंड स्थित राजीव गांधी तिराहे पर रैली का समापन हुआ। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उपस्थित, अरे यार ये बंद कर दो यार। सर्वोच्च न्यायालय को ने जो फैसला दिया है वो कहने का हमें वर्गीकरण और हमारे समाजों को अति क्षति पहुँचने का इन्होंने दिया है। इसलिए पूरा भारत में आज हमारे SC/ST के संगठनों द्वारा आह्वान किया गया था भारत बंद का, लगभग पूरा देश में बंद हुआ और कहने का सरकार की भी नींद खुलेगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारा अनुरोध है कि एक अध्यादेश लाकर इस फैसले को निरस्त करे और पूरा यथावत रखे। आपके नगर चाचुड़ा बीनागंज में किस प्रकार का आपको सहयोग मिला होगा? बिल्कुल, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। नगर के लोगों ने भी जो हमारे सामूहिक रात को बोला था 2 बजे तक पूर्ण प्रतिष्ठा बंद रखेंगे, पूरा बाजार आज बंद रहा, सबका सहयोग रहा और हमें पूरे नगर के लोग, मीडिया यहाँ का, जिनका कल से हमें काफी सहयोग मिला है और पुलिस प्रशासन, सारे नगर के लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपकी क्या हम जायज मांगे? हमारी मांग जो सुप्रीम न्यायालय का जो फैसला आया वो यातावत निरस्त किया जावे और अब ईमेल जो लागू किया जा रहा था वो नहीं लागू किया जाना चाहिए, एक अध्यादेश पास करें तुरंत।
यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा होगा, एससी एसटी पूरे देश में आंदोलन करेगी, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी नुकसान है और वर्तमान पीढ़ी के भी, इनके भाई भाई को लड़ाने का जो साथ आदेश आया है वो हमारे खिलाफ है। इसमें हमें दो बार को बांट दिया गया, इसका कड़ा विरोध करते हैं। इसी में आज हमारा बंद था और सबका सहयोग काफी अच्छा। विश्व गीता प्रतिष्ठानम 26 को मनाएगा समर्पण दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है रघुवंशी। अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का अभिमानी देवता है। इस मार्ग में मरकर गए हुए मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जबकि रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षयान का अभिमानी देवता है। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने कर्मों फल भोग कर वापस आता है। उपरोक्त विचार हनुमान चौराहा सत्संग भवन में हुए स्वाध्याय में साकेत रघुवंशी ने व्यक्त किए। गीता जी का पूजन ओम प्रकाश पाराश्वर ने किया। स्वाध्याय गीता उमाशंकर भार्गव ने गणेश गौरी गुरु वंदना राम सिंह रघुवंशी। गीता स्वाध्याय में गीता जी के 8वें अध्याय के 32 से 28 तक के श्लोकों का वाचन अंकित पांडे ने कराया। शुभाशीष ने केशव बैरागी ने कहा कि सत्यमेव जयते अर्थात सदा सत्य की विजय होती है। अमृत वचन राधेश्याम शर्मा मुद्गल ने सुनाया। प्रेरक प्रसंग में राम सिंह रघुवंशी ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। गीता भजन प्रांति संरक्षक पंडित ओम प्रकाश पाराशर ने संस्कृत भाषा जने जने सुनाया। स्वाध्याय में श्रीमती रेखा पांडे राखी भार्गव प्रज्ञा पाराशर ग्वालियर रविंद्र सिंह रघुवंशी रमाशंकर दुबे देवेंद्र भार्गव चंद्रमोहन अग्रवाल रामजीवन भार्गव कैलाश मंथन ध्रुव नारायण गोयल रामचरण लाल माथुर आदि उपस्थित थे। विश्व गीता प्रतिष्ठान का स्थापना वर्ष समर्पण दिवस तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव दिनांक 26/8/2024 को मनाया जाएगा। उमाशंकर भार्गव सह मीडिया प्रभारी विश्व गीता प्रतिष्ठान अमस्वाद है मंडल गुना 7869877706। अब बिजली कंपनी भी कराएगी अपने उपभोक्ताओं की केवाईसी। सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को करानी होगी केवाईसी। बैंक की तरह केवाईसी में व्यक्तिगत जानकारी को भी किया गया अपडेट। जिस तरह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों से केवाईसी कराई जाती है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भी अपने उपभोक्ताओं को सुविधा देने और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए केवाईसी करने जा रही है। इससे राज्य शासन की योजना का सीधा लाभ मिलने में कठिनाई नहीं होगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल नर्मदापुरम ग्वालियर और चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकॉर्ड में अपडेट करने के लिए नो योर कंज्यूमर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर के वैसी प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे समग्र आईडी मोबाइल नंबर बैंक खाता इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जाएगा। गौरतलब है कि कंपनी द्वारा केवाईसी प्रक्रिया से वास्तविक उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन और उनके भार की स्थिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे कंपनी कार्य क्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के भविष्य में विस्तार की योजना बनाने में आसानी होगी। साथ ही कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को सही पहचान और मोबाइल नंबर को सटीक रूप से टैग करने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनी की सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कहा है कि कंपनी के अधिकृत मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर में जाकर नो योर कंज्यूमर प्रक्रिया का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नो योर कंज्यूमर प्रक्रिया से बिजली उपभोक्ताओं को जहां राज्य शासन की योजनाओं का सीधा लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर प्रणाली में अधिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। कंपनी द्वारा कैसा किया जाएगा केवाईसी? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंपनी का अधिकृत मीटर रीडर कंपनी फोटो आईडी से लैस होकर उपभोक्ता के घर का दौरा करेगा और पीओएस मशीन में निष्ठा ऐप का उपयोग करके केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करेगा। मीटर रीडर उपभोक्ता से समग्र आईडी मांगेगा। समग्र डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए के माध्यम से इसे सत्यापित करेगा। इसके अलावा मीटर रीडर उपभोक्ता के स्वीकृत लोड परिसर की फोटो और बैंक खाता की जानकारी एकत्र करेगा। शहरी क्षेत्रों में मीटर रीडर उपभोक्ता से परिसर की संपत्ति आईडी भी मांगेगा।